तो दोस्तों, क्या आप भी WhatsApp एप्लीकेशन को PC या लैपटॉप में यूज़ करना सीखना चाहते हैं? अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। WhatsApp ने काफ़ी दिनों पहले यूज़र्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, कौन सी सुविधाएं तो मैं आपको बता देता हूँ। आजकल WhatsApp का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ चैटिंग के लिए ही नहीं किया जाता, इसके अलावा भी WhatsApp का इस्तेमाल ऑफिस में फाइल को शेयर करने के लिए किया जाता है, और फाइल्स मोस्टली PCs या लैपटॉप में होती हैं। इसीलिए अगर हमें फाइल्स को शेयर करना है WhatsApp पे, तो हमें WhatsApp को अपने PC या लैपटॉप पे यूज़ करना आना चाहिए। इसीलिए WhatsApp ने आपको अपडेट देकर एक नया फीचर ऐड किया था कि अब आप आसानी से अपने WhatsApp एप्लीकेशन को PC या लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करना है आपको यूज़ अगर नहीं पता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। हाय, दिस इज़ आमिर और आप देख रहे हैं AS ग्रुप का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने WhatsApp एप्लीकेशन को लैपटॉप में, ये मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं ले चलूँगा आपको मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन दोनों पे ही। तो चलिए करते हैं अपना वीडियो। अगर आपको अपने मोबाइल फ़ोन को अपने PC या लैपटॉप में यूज़ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन को ही ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको जाना है, जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, WhatsApp, GB WhatsApp, FM WhatsApp या जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, आपको उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पे मेरे केस में मैं GB WhatsApp यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं GB WhatsApp को ओपन कर लेता हूँ। जब आप GB WhatsApp को ओपन करेंगे, ये फीचर आपको हर एक एप्लीकेशन में मिल जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है आपको। अगर आप GB यूज़ करते हो, FM यूज़ करते हो, U यूज़ करते हो, जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, आपको हर जगह पर ये फीचर मिल जाएगा। सबसे पहला काम आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिंक डिवाइसेज का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जिस भी एप्लीकेशन में यूज़ करते हो, तो आपको वहाँ पर लिंक्ड डिवाइसेज पर जाना है। आप जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे शो करता है आपका मोबाइल फ़ोन या आपका WhatsApp एप्लीकेशन किस डिवाइस में यूज़ किया जा रहा है। अब सपोज आपको एक नई डिवाइस में यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको लिंक डिवाइस पे क्लिक करना है। अगर पहले से किसी डिवाइस में यूज़ किया जा रहा है, उससे आपको लॉग आउट करना है, तो वहाँ पे आप क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आपको लॉग आउट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, अगर वो किसी पहले एप्लीकेशन में यूज़ किया जा रहा होगा, तो उससे लॉग आउट हो जाएगा। अगला काम आपको करना क्या है, यहाँ से आपको छोड़ देना, आपने लैपटॉप को ओपन करना है। लैपटॉप को ओपन करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, दोनों में से आप जो भी चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो आप WhatsApp का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने तो पहले से डाउनलोड कर लिया है। आपको यहाँ पे WhatsApp का ये एप्लीकेशन दिखाई दे रहा होगा, तकरीबन 130 MB का ये एप्लीकेशन है। मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है 30, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64-bit है। आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, 32-bit या 64-bit, मैं यहाँ पे विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ। आप जो भी यूज़ करते हो, एंड्रॉयड, आप जो भी यूज़ करते हो सकता है कि आपके पास मैक हो, तो आप मैक के अकॉर्डिंग, लिनक्स के अकॉर्डिंग आप जो भी यूज़ करते हो, आपको WhatsApp एप्लीकेशन डाउनलोड करना है सबसे पहला काम। अगर आप नहीं डाउनलोड करना चाहते, तो दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप अपने किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली टाइप कर देना है WhatsApp वेब। आपको WhatsApp वेब टाइप करके कर देना है सर्च। जैसे आप सर्च करेंगे, तो आपका यहाँ पर सर्च रिजल्ट सामने आपके दिखाई देगा। सबसे ऊपर आप देखेंगे दिखाई देगा http://web.whatsapp.com। आपको इस पर क्लिक कर देना है, सबसे ऊपर जो रिजल्ट आया है, सबसे पहला वाला। जैसे आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक पेज लोड होगा। मेरे केस में थोड़ा सा मेरा नेटवर्क स्लो है, इस चक्कर में थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। अब हमें करना क्या है, हमें इस पेज को लोड हो जाने देना है। तो यहाँ पर लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, और आप देखेंगे यहाँ पर पेज हो गया है लोड। जब ये पेज होगा लोड, तो सबसे पहले आपके सामने QR कोड आएगा। आपको इस QR कोड को यूज़ करना है। आप अपने मोबाइल फ़ोन को उठा लीजिए। आप मोबाइल फ़ोन से आपको करना क्या है, आपको लिंक डिवाइसेस जहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, तो जो भी आपके पास सिक्योरिटी पैटर्न है, आपको वो देना है। मेरे केस में फिंगरप्रिंट है। आपका कैमरा ओपन होगा, और कैमरा ओपन होते हुए ही क्या होगा कि आपको QR कोड स्कैन कर लेना है। जैसे आप QR कोड स्कैन करेंगे, तो QR कोड स्कैन करने के बाद थोड़ा सा टाइम, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा पूरा का पूरा GB WhatsApp अब मेरे लैपटॉप पे चल रहा है। अगर आपको इस तरीके से यूज़ करना है, तो बहुत आसान तरीका है। एक तो ये है कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन के स्थान पर आपको वेब ब्राउज़र यूज़ करना है, वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए भी आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। ठीक।